ये सब आपकी तबीयत भी नासाज है, क्या कहेंगे आप? अभी भी उसी तरह ही है। देखिए मैं ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, ये 7 दिन से इसी को धो धो के इनको पहना रहा हूँ। और देखने वाली बात ये है कि ना कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना डॉक्टर ना दवाई। बात करने दो, क्या हो गया? तो मैम मैं उधर जा रही जाए साहब से बात करूँ, कोई इधर से। और ना कोई दवाई है, ना कोई चीज दे रहे हैं, और ना कोई अंदर बिजली का है, हर वक्त बंद रहती है। और मुझे तो मैं तो यकीन करे कि ये तो मुझे कोई इंडिया का सेल लगता है, और कसूर क्या है? आम नॉर्मल केस ही नहीं है कोई। और कहते हैं जी बी क्लास, कोई नहीं मान, नहीं मानते हम, नहीं मानते। तो साहब उसमें आप ये बताएं, ये भी खबर चली थी कि वो सेल जो है वो 6x6 का है, मतलब जैसे दहशतगर्दों को अंदर रखा। सिर्फ टांगे मैं टेढ़ी करके सुनता हूँ। तो आपको जो इलाज के लिए इलाज के लिए पीएचसी लेके गए थे, वहाँ पर भी आपको वहाँ फौरी ले आया गया, इलाज भी मुकम्मल नहीं करने दिया वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि इनके बकाया 50% टेस्ट होने हैं, और क्योंकि इनके पांव सूजे हुए हैं, वो खास कंडीशन मानते हैं, और गर्मी और हीट की वजह से इनके मेदे पे असर है, और मेदा भी इनका खराब है। वो जेल की इनको सूर्ति कर रहे, रोटी इनके लिए वो घी के बगैर चाहिए। भाई आप चुप करो, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये वजह। देखिए वजह का इनको पता होगा, लेकिन ये कोई इंसानियत तो होनी चाहिए ना। वजह कुछ भी हो, लेकिन बात तो इंसानियत की है ना। तो मैंने तो कभी किसी से बुरा सलूक ही नहीं किया अपने दौर में। एज ए चीफ मिनिस्टर भी मैंने लोगों की खिदमत की है, मैंने 112 जैसे अदारे किया, मैंने हर एक की खिदमत की है, मैंने किसी को दुश्मन नहीं बनाया ना, समझे? तो सब खानदान से मिलने दे, लेकिन दुख ये है कि उसका सिला ये दे रहे हैं, ये सब खानदान से मुलाकात करने दे रहे हैं। मैं पहली दफा आपको देखा 10 दिन बाद यहाँ अदालत में, लोगों को देखने की बात करते हैं आप। मैं उस सेल से बाहर ही निकल सकता हूँ।